सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी चैनल की बात करते हैं या फिर किसी भी यूट्यूब का जो नया चैनल स्टार्ट होता है, तो हम उसकी अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमको चैनल दिखता है, जहाँ पे ना कोई थंबनेल होता है, ना कोई बैनर होता है, ना कोई यूट्यूब की प्रोफाइल फोटो। सो, जितने भी बड़े चैनल हैं, एक समय के बाद जहाँ पे लाखों में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं या मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, जो आपका लोगो या फिर आपका जो चैनल का बैनर है, वही आपकी एक तरीके से पहचान बन जाती है। आपके जो इंट्रो है, इंट्रो पे भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई, आई बटन में से चेक कर सकते हो आप, या फिर आपके चैनल का लोगो या फिर बैनर, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी है, कैरी मिनाटी है, तो एक समय के बाद आने के बाद क्या होता है, आपके चैनल का लोगो आपका ब्रांड बन जाता है। जैसे कि हमने भी देखो ये लोगो बनाया है, भाई तुम्हारे भाई ने खून पसीने की कमाई से खुद अपने हाथों से इस लोगो को तैयार किया है, और आज भी हम लोगोज को इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो गाइज पूरी है YouTube के लोगों के ऊपर। YouTube का लोगो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी और सिंपलेस्ट वे बताऊंगा मैं आपको। 4 से 5 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म कर देंगे हम, आपका बिना कोई समय गवाए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तब तक आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए करता हूं इसी टॉपिक को डिस्क्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया, यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन उठता है कि यूट्यूब लोगो हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। इसके अलावा यूट्यूब का बैनर भी होता है, यूट्यूब का इंट्रो भी होता है, इंट्रो वीडियो भी एक तरीके से होती है, कई चीज़ें होती हैं, उन्हीं में से एक है यूट्यूब लोगो, जो हमारे लिए इतना ज़रूरी होता है कि एक समय आने के बाद, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके चैनल की ब्रांड वैल्यू बन जाता है वो। मतलब लोग आप ही के लोगो को कॉपी करके पता चलेगा आपके पीछे कई और चैनल्स चल रहे हैं जो आपके लोगो से पैसे कमा रहे हैं, जब तक आप उन पर कॉपीराइट क्लेम ना कर दें। तो आपका भी लोगो ऐसा होना चाहिए, शुरू के जब आपके स्टार्टिंग डेज होते हैं, जब तक आप 1000 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक पहुंचते हो, मोनेटाइजेशन के नज़दीक पहुंचते हो, तो उस समय में आपको भी अपने यूट्यूब लोगो के ऊपर कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहना है, उसे और भी क्रिएटिव बनाना है और इन्हेंस्ड बनाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आई कैची कंटेंट बना के अपनी तरफ खींच सको और सब्सक्राइबर बढ़ा सको। तो सब्सक्राइबर से याद आया, भाई आपके भाई भी इस स्टार्टअप के अंदर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप भी जल्दी से जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके इस छोटे से एफर्ट से। ओके, सो वीडियो को आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो यूट्यूब लोगो हम बनाते हैं बेसिकली उनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अधिकतर जितने भी चैनल हैं वो बस एक ऐप का नाम ले देते हैं कि कैनवा के थ्रू आप ये सब चीज़ें कर लीजिए, किस्सा खत्म, और तो कुछ जैसे चाहिए नहीं। बाकी लोगों के मन में रह जाती है, जैसे डिजिटल राज का चैनल है अपना, अक्ष वर्मा का चैनल है, उन पे देखा हो तो आपने, जब भी वो थंबनेल डालते हैं तो बाहर उनका कटआउट होता है, काफ़ी प्रिसाइज कटआउट होता है। काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि वो कटआउट हम कैसे बनाते हैं, कैसे कुछ वो कटआउट हम बना पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली कुछ चीज़ें भाई वो याद रखिएगा, ग्रीन स्क्रीन कंपलसरी है। ग्रीन स्क्रीन क्या है कि आपका जो कटआउट है, वैसे तो आप ब्लर करके भी एक अपना थंबनेल बना सकते हैं, जैसे वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में या फोटो को पोर्ट्रेट मोड में खींच के, और आप उसके ऊपर अपना एडिशन कर सकते हैं बाकी। बट यहाँ पे अगर आप लोगो बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कटआउट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कटआउट के लिए आपको एक तो ग्रीन स्क्रीन चाहिए, जहाँ पे वो 200 से 300 रुपए का आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो वैसा एक लीजिएगा ग्रीन स्क्रीन, उसके ऊपर आप अपनी पहले पिक्चर खींचिएगा। तो ग्रीन स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी स्टेप, आगे मैं बता रहा हूँ कैसे स्टेप्स होंगे। उसके अलावा आप सुपर इम्पोज या पिक्सल लैब करके एक ऐप आती है, जो सुपर इम्पोज है वो आपको iOS डिवाइस में मिल जाएगी, प्लस पिक्सल लैब आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, काफ़ी शानदार और कटआउट के लिए बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इसके अलावा पिक्सआर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एट लास्ट हम कैनवा की बात करें, जहाँ पर पूरा लोगो इम्प्रूव्ड होकर आप कैनवा के ऊपर उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे के स्टेप्स बताते हैं कि कैसे हम इन सब ऐप्स को आगे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए ओके फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेप्स की, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, आप स्टेप्स को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन अपना पर्दा लगाना है, जैसे मैंने लगा रखा है। इस हरे पर्दे के ऊपर क्या करना है, आपको अपना एक पोर्ट्रेट खींचना है। पोर्ट्रेट आप फोन से क्लिक कर लीजिए, उसके बाद उस पोर्ट्रेट को आप चाहे तो डायरेक्ट पिक्सआर्ट में जाके उसकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, फोन के एडिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो भी बढ़ाना है आपको बढ़ाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी वो फोटो है उसको पेस्ट करना है आपको सुपर इम्पोज या पिक्सल लैब के अंदर, वहाँ पे आपको कटआउट का ऑप्शन मिलेगा। सुपर इम्पोज तो काफ़ी सिंपल है iOS डिवाइस के लिए, मैं खुद एंड्रॉइड आईफोन यूज़ करता हूँ, तो जस्ट आपको आईफोन के अंदर कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको फोटो वहाँ पे पेस्ट करनी है और डायरेक्ट वहाँ पे एनालाइज करके सिंक करना है और डन करना है, आपका कटआउट बहुत ही शानदार और प्रिसाइज वे में मिल जाएगा आपको, गाइस यकीन मानिए इस चीज़ का। और इसके अलावा पिक्सल लैब में भी आपको वहाँ से डायरेक्ट आप कटआउट कर सकते हैं, उसके बाद कटआउट के चारों ओर बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं पिक्सल लैब के अंदर, जैसा बॉर्डर चाहिए, पर ज़्यादा अच्छी लगती है आप बिल्कुल बिना बॉर्डर के रखें और उसमें थोड़ा शेडो इंप्रूव करें, यानी कि टी स्ट्रोक में जाके आप वहाँ पे शेडो इंप्रूव कर सकते हैं।
जब आपका प्रिसाइज कटआउट कट जाए उसके बाद आपको खोलना है अपने फ़ोन के अंदर कैनोवा का ऐप, जो कैनोवा सॉफ्टवेयर है वो iOS के लिए भी अवेलेबल है और प्लस में आपको एंड्रॉयड के लिए भी वो अवेलेबल मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको जैसे ही आप कैनवा सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो उसमें सबसे ऊपर पूरे ऑप्शंस आते हैं, आपको यूट्यूब का चैनल आर्ट बनाना है, थंबनेल बनाना है, इंट्रो बनाना है, कुछ भी बनाना है जो, तो वहाँ पे आप यूट्यूब लोगो सेलेक्ट कीजिए। लोगो सेलेक्ट करेंगे, लोगो में आपको प्री टेम्पलेट्स मिलेंगे, अगर आप गेमिंग से रिलेटेड चैनल बना सकते हैं तो वहाँ से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप यूट्यूब लोगो का ब्लैंक पेज चुनिए, ब्लैंक पेज पे अपने हिसाब से कोई बैकग्राउंड लीजिए या फिर प्लस में जाके नीचे एलिमेंट्स में कोई भी आप अलग से ग्रेडियंट्स ले सकते हैं, ग्रेडियंट में आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं उसके पीछे के बैकग्राउंड कलर्स को। उसके बाद अपनी जो फोटो जो पेस्ट आपने कटआउट किया वो कटआउट को वहाँ पे पेस्ट कीजिए, एंड कटआउट को पेस्ट करने के बाद गाइज जस्ट उसमें एलिमेंट्स के अंदर आपको यूट्यूब इंस्टा कुछ भी ऐसा लोगो लगाना है पीछे, कुछ मतलब ऐसे टेक्सचर लगाने या छोटी छोटी पिक्स लगानी है लोगो यूट्यूब इंस्टा की, वो आप उठा के लगा सकते हैं। रेदर देन दिस आप गेमिंग का चैनल है तो गेमिंग का भी कुछ पीछे लगा सकते हैं, थोड़ा स्पोर्टी लुक दे सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जस्ट आपकी फोटो को आप सेव कर लीजिए। उसके बाद फिर आपके यूट्यूब के मेन चैनल पे जाइए, एडिट चैनल पे जाइए और एडिट चैनल से सिंपली फोटो को सेलेक्ट कीजिए और वो गोल राउंड के अंदर बीच में आके आपका एक काफ़ी इंटरेक्टिव लोगो बन जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको सारे स्टेप्स इजीली समझ आ गए होंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे कंक्लूजन में कि क्यों हमारे लिए यूट्यूब लोगो इतना ज़रूरी है, कौन कौन सी ऐप्स या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू हम ये कटआउट है वो बहुत ही प्रिसाइजली कर सकते हैं और लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं। रहता है दिस थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप कैसे इन सब को हमें अप्लाई करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज, हम इसी तरह के यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड कंटेंट या फिर एडिटिंग टिप्स गैजेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप हमको मोटिवेशन देना चाहते हैं तो गाइज बस आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। अभी के लिए जाता हूँ, थोड़ी देर फिर वापस आता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।